this is our last lecture for extraction chapter in lecture 6, and last time we have discussed methods of refining. Clear? Methods of refining. First method was distillation, then it was liquation, then it was zone refining, then electrolytic refining. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो हम मैक्सिमम मेटल्स की करते हैं, हमने लास्ट टाइम बताया भी था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जैसे कॉपर की होती है, सिल्वर की होती है, गोल्ड की हो सकती है, जिंक की हो सकती है, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के लिए हमने डिस्कस भी किया था, एल्यूमिनियम के लिए सारे प्रोसेसेस पता होने चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जैसे एल्यूमिनियम को अगर हमें पहले तो एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकालते हैं, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकालना अगर क्लियर, एल्यूमिना से अगर एल्यूमिनियम निकालना है तो पहले एल्यूमिना को प्योरीफाई करेंगे, उसके लिए प्रोसेस कौन सा था, एल्यूमिना को प्योरीफाई करने के लिए कंसंट्रेशन जिसे बोलेंगे उसके लिए प्रोसेस था हमारा बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स था, दूसरा हॉल्स प्रोसेस था जो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, और तीसरा सरपेक्स प्रोसेस था अगर हमें इसको साफ करना है एलुमिना को, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फिर इसके बाद एलुमिना से एल्यूमिनियम निकालेंगे लिए उसके लिए एलुमिना से एल्यूमिनियम निकालना, अगर एलुमिना से एल्यूमिनियम तो उसके लिए पढ़ा हमने हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, तो दोनों डिफरेंस ध्यान रखना, इधर कौन सा प्रोसेस था, हॉल्स प्रोसेस था, इधर क्या, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस था। फिर एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग करनी है, अगर इसकी रिफाइनिंग करनी है तो इसके लिए हमने प्रोसेस पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और उसका इंपॉर्टेंट नाम है, उसका भी अच्छा ही नाम है हूप्स प्रोसेस, ये ध्यान रखना है हूप्स प्रोसेस, ये ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछते हैं, नीट के ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो हॉल्स प्रोसेस किसके लिए है, फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ एल्यूमिना, ओर की प्योरीफिकेशन के लिए, बॉक्साइड ओर के लिए, और फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम चाहिए तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, और अगर एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग करनी है, क्योंकि एल्यूमिनियम प्योर नहीं मिलेगा, अगर उसकी रिफाइनिंग करनी है तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, कौन सी रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोल रिफाइनिंग करेंगे, और उसके उसका नाम क्या है, हूप्स रिफाइनिंग, हूप्स प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग एल्यूमिनियम, तो ये ध्यान रखना है एल्यूमिना के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ मेथड ऑफ रिफाइनिंग, दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग, इसके प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्लियर। वेपर फेज रिफाइनिंग क्या है, एग्जाम्पल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि मेटल जो है, जो मेटल है वो आसानी से किसी एक रेजेंट के साथ वोलेटाइल कंपोनेंट बना ले, पहला तो ये पॉइंट है, मेटल जो है इट शुड ईजिली फॉर्म ए वोलेटाइल कंपोनेंट विद द अवेलेबल रेजेंट, क्लियर। और वोलेटाइल कंपोनेंट जो बन गया है वो आसानी से अब डिकम्पोज कर जाए ताकि मेटल हमें दोबारा मिल सके प्योर फॉर्म में। पहले मेटल क्या बनाएगा, वोलेटाइल कंपोनेंट बनाएगा अवेलेबल रेजेंट के साथ, ताकि इसके साथ जो इंप्योरिटीज हैं वो अलग हो जाए। उसके बाद जो वोलेटाइल कंपोनेंट बना है वो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, ताकि हमें मेटल प्योर फॉर्म में मिल सके, और डिकम्पोज नहीं होगा तो हमें मेटल मिल नहीं पाएगा। तो ये इसके दो प्रिंसिपल हैं, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अब, ये प्रिंसिपल है वेपर फेज रिफाइनिंग का, क्लियर। अब इसके एग्जांपल पढ़ेंगे तो उससे समझ आ जाएगा। जैसे हमारा पहला है मॉन्ड्स प्रोसेस, क्लियर। ये रिफाइनिंग का क्या प्रोसेस है, मॉन्ड्स, दिस इज फॉर निकल, निकल के लिए मॉन्ड्स प्रोसेस सिर्फ निकल, जैसे वाटर गैस वाला मेथड सिर्फ किसके लिए था, निकल ऑक्साइड के लिए, ऐसे ही मॉन्ड्स प्रोसेस इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल, मॉन्ड्स प्रोसेस इज यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल ओनली। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में सिंपली पूछ लेते हैं कि मॉन्ड्स प्रोसेस कौन से मेटल के लिए है, किसके लिए, निकल के लिए। अब निकल जो है, अब ये जो प्रिंसिपल है इसके बेस्ड है, निकल जो है अवेलेबल रेजेंट के साथ, अवेलेबल रेजेंट होता है CO के साथ इजिली कम्प्लेक्स बना देगा 350 केल्विन पे, तो NiCO4 ये बन गया वोलेटाइल कंपोनेंट, ये बन गया वोलेटाइल कंपोनेंट, क्लियर, वोलेटाइल कंपोनेंट ये बन गया। नाउ दिस वोलेटाइल कंपोनेंट फॉर्म्ड शुड बी इजिली डिकम्पोजेबल, अब इसको हीट करेंगे थोड़े से हाई टेम्परेचर पे, 450 से 470 केल्विन के आसपास, तो ये निकल दे देगा प्योर फॉर्म में प्लस 4CO, निकल आ जाएगा प्योर। यहां जो था निकल था क्या था, निकल प्योर में आ गया, ये यहां जो निकल था इम्प्योर था, साथ में इसके इम्प्योरिटीज होंगी, तो जैसे ही हम CO डालेंगे इमीडिएटली CO के साथ निकल जो है बॉन्ड बना लेगा, और ये कम्प्लेक्स मिल जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो स्टेट। इसके बाद ये इसको हीट करेंगे 450 केल्विन पे, तो ये डिकम्पोज करके प्योर निकल दे देगा। तो यही इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, मेटल शुड इजिली फॉर्म ए वोलेटाइल कंपोनेंट विद द अवेलेबल रेजेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट फॉर्म्ड शुड बी इजिली डिकम्पोजेबल टू फॉर द रिकवरी ऑफ द मेटल। सो दिस इज Mond's process for refining of nickel. एक प्रोसेस और इससे रिलेटेड, और वो क्या है, वेन आर्कल मेथड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको भी ध्यान से देखेंगे। वेन आर्कल मेथड, इसके अंदर में रेजेंट कौन सा यूज किया था, कार्बन मोनोक्साइड रेजेंट यूज किया था, वेन आर्कल में आयोडीन यूज करेंगे, वेन आर्कल मेथड, तो वो भी देख लेते हैं। वेन आर्कल मेथड इसमें आयोडीन होगा अवेलेबल रेजेंट, ये होता है टाइटेनियम के लिए, जिकोनियम के लिए, टाइटेनियम और जिकोनियम कई बार बोरोन के लिए यूज कर लेते हैं,
कई बार इस केस में भी बोरोन के लिए यूज कर लेते हैं। ये मैंने पहले भी लिया हुआ है कि बोरोन जो है बहुत जगह हो सकता है प्योरीफाई, इवन अल्ट्रा प्योर मेटल्स जो मिलते हैं हमें जोन रिफाइनिंग से उसमें भी बोरोन को ले सकते हैं मेटलॉइड की फॉर्म में। अदरवाइज अल्ट्रा प्योर मेटल्स यानी जोन रिफाइनिंग जो था सिलिकॉन और जर्मनियम के लिए था। अच्छा, अब इसके अंदर वैन आर्कल मेथड में इसमें टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए, तो पहला लिया सपोज मैंने टाइटेनियम, टाइटेनियम इट फॉर्म्स अवेलेबल रेजेंट क्या है इसके अंदर, आयोडीन। ये भी पूछते हैं कई बार कि अवेलेबल रेजेंट क्या है, जैसे मॉन्ड्स प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके अंदर आयोडीन होता है Ti+2I2, टेम्परेचर अराउंड 523 केल्विन होता है और ये बना देता है Ti(I4) और ये हीट करते हैं हम टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर, टंगस्टन जो कि हाई टेम्परेचर को झेल सकता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट ही टंगस्टन का 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, इसलिए बल्ब्स में यूज़ होता है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर हीट करते हैं Ti(I4) बनता है। अब Ti(I4) नाउ इट इज डिकम्पोजेबल एट 1700 केल्विन, ये डिकम्पोज कर जाएगा टू गिव प्योर टाइटेनियम प्लस 2I2, तो ये दे देगा। और कई बार अगर आपको याद नहीं है, याद नहीं है टेम्परेचर तो ऊपर लिख देंगे लो टेम्परेचर और नीचे लिख देंगे हाई टेम्परेचर, याद नहीं है तो लिख देंगे, अदरवाइज टेम्परेचर याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ऊपर लो टेम्परेचर नीचे हाई टेम्परेचर, क्लियर। तो टाइटेनियम के लिए ऐसे है, जिरकोनियम अगर आएगा, जिरकोनियम अगर आ गया तो उस केस में टेम्परेचर वगैरह चेंज हो जाएंगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको, अगर जिरकोनियम आ जाता है, जिरकोनियम के केस में Zr+2I2 ये होता है 870 केल्विन के आसपास टेम्परेचर, Zr(I4) बन जाएगा, टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर हीट किया, फिर इसको इसी फिलामेंट के ऊपर जब हीट करेंगे 1700 केल्विन तक, 17 नहीं सॉरी इसमें आएगा 2075 केल्विन, थोड़े पे ज़्यादा होता है इसमें, 2075 केल्विन पे हीट करते हैं, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, Zr(I4) बना, Zr(I4) था, अब ये टूट करके क्या दे देगा, जिरकोनियम प्लस 2I2, तो जिरकोनियम मेटल मिल जाएगा प्लस 2I2, तो ये जिरकोनियम के लिए और टाइटेनियम के लिए यूज करना। बोरोन अगर होगा B+3/2I2 लिखना तब, क्योंकि बोरोन की वैलेंसी 3 होती है, चार्ज प्लस 3 होता है, B+3/2I2 Bi3 हाइट मेटल पर हीट करेंगे B+3/2I2 बाहर मिल जाएगा। तो दिस वॉज वेपर फेज रिफाइनिंग, क्लियर, वेपर फेज रिफाइनिंग फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ निकल जिरकोनियम टाइटेनियम, क्लियर, इनके लिए था। नेक्स्ट नोट करेंगे लास्ट मेथड ऑफ रिफाइनिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, लेटेस्ट टेक्निक है सबसे ज़्यादा, और वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, नो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी इसमें दो ग्रीक वर्ड्स हैं एक तरह से, क्रोमेटो क्रोमा, क्रोमा का मतलब क्या है, कलर, क्रोमा मींस कलर, ग्राफी मींस जैसे समथिंग रिलेटेड टू राइटिंग, तो कलर, कलर एक तरह से, क्रोमा मींस कलर, ग्रीक वर्ड होता है इसका मतलब कलर होता है, और ग्राफी मींस राइटिंग, तो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट एंड एडवांस्ड टेक्निक फॉर सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर द सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, तो उनको सेपरेट करने के लिए, कलर्ड कंपोनेंट्स को स्पेशली सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। हमारे कोर्स में क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और प्रैक्टिकल्स में करेंगे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, अदरवाइज तो बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी है, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये दो तो हम पढ़ेंगे, इसके अलावा TLC होता है, TLC ये कोर्स में नहीं है, ये आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, फिर इसके अलावा होता है हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, फिर फिफ्थ आ जाएगा हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी, सिक्स्थ जेल फिल्ट्रेशन, तो डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे, डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, ये सब हमें नहीं करना है, हम करेंगे सिर्फ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और थोड़ा बहुत मैं आइडिया दूंगा पेपर क्रोमेटोग्राफी का, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं जो आएंगे बोर्ड में तो आएंगे नहीं, नीट में और IIT मेंस में इनमें आ जाते हैं उनके क्वेश्चंस, और एडवांस में भी आएंगे क्वेश्चन इसके, और आए हुए हैं क्वेश्चन, इस साल भी 2020 के पेपर मेंस में था ये,
क्रोमेटोग्राफी, क्लियर। तो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कूल में तो प्रिंसिपल ही आएगा इसका। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस, प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है अभी तो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ समझ कब आएगा जब हम प्रोसीजर करेंगे। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर एड्सॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन द एड्सॉर्बेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है मिक्सचर के, दे आर एड्सॉर्ब्ड, प्रिंसिपल लिखना जरूर, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एड्सॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट, टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन एड्सॉर्बेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर एड्सॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन एड्सॉर्बेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, है ना। इसका प्रिंसिपल लगभग सभी क्रोमेटोग्राफीज का यही प्रिंसिपल है, यही लिख के आना पेपर में, वन मार्क में ही आता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर एड्सॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन एन एड्सॉर्बेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी, पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा ये। अब इसको मैं प्रोसीजर से बताऊंगा तो सारी टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टडी कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं कॉलम। तो इसमें एक कॉलम बनाते हैं, ये इस तरह से का कुछ कॉलम होता है, ये कॉलम होता है ग्लास का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है, ये कॉलम है और यहाँ पे ये इसका स्टॉप कॉक लगा हुआ है ताकि नीचे कुछ गिरे ना, और ये कॉलम है पूरा ग्लास का या प्लास्टिक का बना होता है। फिर यहाँ पे हमारा इस तरह से कुछ एड्सॉर्बेंट आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे एड्सॉर्बेंट होगा पूरा भरा हुआ एड्सॉर्बेंट से। एड्सॉर्बेंट क्या होता है, यहाँ पे आएगा एड्सॉर्बेंट, क्लियर। एड्सॉर्बेंट क्या होता है, स्टेशनरी फेज, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लाइन बहुत। एड्सॉर्बेंट हेयर इज स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी फेज होगा। और स्टेशनरी एड्सॉर्बेंट कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर हम क्या रहते हैं सिलिका जेल, सिलिका जेल या एलुमिना Al2O3, एलुमिना Al2O3। और सिलिका जेल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है पाउडर की फॉर्म में, सिलिका जेल यूज़ होगा पाउडर की फॉर्म में। और ये होता है हमारा पोलर, बहुत ज़्यादा पोलर होता है, इट इज़ वेरी पोलर, ये पोलर होता है। यहाँ पे रखते हैं मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को, यहाँ क्या होता है मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ पे कॉटन का बोल भी, कॉटन का प्लग भी लगा देते हैं कई बार, ताकि जो पाउडर फॉर्म में सैंड है वो सिलिका जेल है वो नीचे ना गिरे। तो यहाँ पे हम रखते हैं मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ पे मिक्सचर है, मान लिया इसके अंदर तीन चीज़ें हैं ए प्लस बी प्लस सी और साथ में इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ सैंड, इसको सेपरेट करना है, ए बी सी को सेपरेट करना है। अब स्टेशनरी फेज दिया हमने सिलिका जेल, जो कि एड्सॉर्बेंट होता है, एड्सॉर्बेंट क्या है स्टेशनरी फेज, और ये सिलिका जेल ज़्यादातर लेते हैं, ये एड्सॉर्बेंट होता है यहाँ पे। अब इसकी जो स्टेशनरी फेज है, इसका क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज, इसको सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है। पहला, ये बहुत पावरफुली जो यहां से सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो यहीं रोक दे इनको, जब सैंड पार्टिकल नीचे गिरे हैं तो उनको यहीं रोक दे, ताकि नीचे जब हमारे पास सेपरेशन के लिए आए ये किसी टेस्ट ट्यूब में, सपोज हम ले रहे हैं किसी टेस्ट ट्यूब में, अगर हम सेपरेट कर रहे हैं मिक्सचर को, तो फिर ये यहाँ इसके अंदर ना आए, यानी यहाँ पे इम्प्योरिटीज ना आए। तो इट शुड वेरी पावरफुली स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्ब द इम्प्योरिटीज, पावरफुली एड्सॉर्ब ऑल इम्प्योरिटीज, ये पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट ये जो एड्सॉर्बेंट है, यहाँ पे जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है उनके साथ रिएक्ट ना करे, शुड नॉट रिएक्ट विद द मिक्सचर, और ऊपर से हम सॉल्वेंट यूज करेंगे, सॉल्वेंट यूज करेंगे जो मोबाइल फेज है, सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट मोबाइल फेज है, ये होता है हमारा मोबाइल फेज, मोबाइल फेज सॉल्वेंट हो गया, मोबाइल फेज सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे एसीटोन हो गया, CCl4 हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सिंगल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मैं भी इसके बारे में बताता हूँ, पहले भी नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट है जो एड्सॉर्बेंट है या एड्सॉर्बेंट, सॉरी, ये तो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स जो यहाँ पे हमने यूज किया उनके साथ रिएक्ट ना करे, दूसरा इस सॉल्वेंट के साथ भी रिएक्ट ना करे, शुड नॉट रिएक्ट स्टेशनरी फेज
शुड नॉट इंटरैक्ट और रिएक्ट विद, रिएक्ट और इंटरैक्ट विद सॉल्वेंट यानी मोल फेज के साथ एंड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, इनके साथ इंटरेक्ट करें। दूसरा पॉइंट, शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, दूसरा पॉइंट फॉर इट्स सिलेक्शन। तीसरा पॉइंट, इजीली अवेलेबल, ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए। फोर्थ, वाइट इन कलर, ताकि डिस्टिंग्विश कर सकें कलर्स को, वाइट कलर होना चाहिए, शुड बी वाइट इन कलर। फिफ्थ, पार्टिकल शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज, यूनिफॉर्म स्फेरिकल साइज, पार्टिकल्स यूनिफॉर्म स्फेरिकल साइज के। और न्यूट्रल सरफेस होना चाहिए इसका, इनएक्टिव, इनएक्टिव एंड न्यूट्रल सरफेस, इनएक्टिव कैटलिटिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कोई इसकी, एंड न्यूट्रल सरफेस, न्यूट्रल इसका सरफेस होना चाहिए, क्लियर, न्यूट्रल सरफेस होना चाहिए। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये पता होना चाहिए सारे फॉर द सिलेक्शन ऑफ दिस स्टेशनरी फेस, सही ना। इस तरह से हमें स्टेशनरी फेस को सिलेक्ट करना है कि वो रिएक्ट ना करे सॉल्वेंट के साथ ना ही कंपोनेंट के साथ, और आसानी से अवेलेबल हो, वाइट कलर का हो, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्म साइज के स्फेरिकल शेप में हो। इस तरह से सारे पॉइंट्स हमें करने हैं इसके, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेस, ये पॉइंट भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द, बोर्ड में आ सकता क्वेश्चन ये, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेस इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो ये पॉइंट्स इसमें लिखने पड़ेंगे सारे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, अब यहाँ पे हमने जो लिया मोबाइल फेस, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिया मोबाइल फेस, सॉल्वेंट क्या क्या होता है, सॉल्वेंट अगर सिंगल है, सॉल्वेंट दो तरीके का होता है, एक तो होता है हमारा सिंगल सॉल्वेंट, सिंगल सॉल्वेंट और टू सॉल्वेंट्स भी यूज कर सकते हैं, सिंगल सॉल्वेंट और टू सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं हम आइसोक्रेटिक इल्यूशन, अगर सिंगल सॉल्वेंट है तो आइसोक्रेटिक इल्यूशन, इल्यूशन यानी मूवमेंट। और दो सॉल्वेंट्स हैं अगर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इल्यूशन। इसमें क्या, दो सॉल्वेंट में क्या होता है, पहले लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे फिर मोर पोलर सॉल्वेंट, इसमें पहले क्या होगा, फर्स्ट लेस पोलर सॉल्वेंट इज यूज देन मोर पोलर। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन इस बार क्वेश्चन आया था मेंस में रिलेटेड, तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। आइसोक्रोटिक इल्यूशन का मतलब क्या है कि सिंगल सॉल्वेंट इज यूज फॉर द प्रोसेस, और ग्रेडियंट इल्यूशन का भी यूज करेंगे, कई बार एक सॉल्वेंट मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को सबको इल्यूट नहीं कर पाता, सबको रन नहीं कर पाता, यहाँ पे एक सॉल्वेंट मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को रन नहीं कर पाता, देन वी यूज मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स, पहले लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे फिर मोर पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे। सिलिका जेल हाईली पोलराइज, ध्यान रखना, अब अगली लाइन ध्यान सुनना, सिलिका जेल हाईली पोलर है तो यहाँ जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो ज़्यादा पोलर नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी पोलर। ज़्यादा पोलर हो गया तो वाटर जो है, जैसे वाटर हो गया या कोई और ज़्यादा पोलर, तो वो क्या करेगा यहाँ पे जाकर अटैच हो जाएगा, मतलब बॉन्ड बना लेगा सिलिका जेल के साथ, और मूवमेंट क्या हो जाएगा बहुत स्लो, तो कोई यूज़ नहीं होगा उसका। इसलिए जो ये है पोलर नहीं होना चाहिए, शुड बी लेस पोलर, याद रखना लाइन, सिलिका जेल मोर पोलर है, सॉल्वेंट शुड बी लेस पोलर टू इल्यूड द कंपोनेंट्स, सिलिका जेल मोर पोलर, सॉल्वेंट शुड बी लेस पोलर टू इल्यूड द कंपोनेंट्स। तो ये ध्यान रखना, सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करेगा कि ये जो कंपोनेंट्स हैं कैसे मूव करेंगे, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट यहाँ से डालेंगे ये कंपोनेंट्स को इल्यूड कराएगा यहाँ से, क्लियर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब तो स्टेशनरी फेस क्या है, मोबाइल फेस क्या है, ये क्लियर हो गया। स्टेशनरी फेस क्या है, एडसॉर्बेंट, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, मोबाइल फेस, और ये मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है जो हमें इल्यूड कराना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने सिलिका जेल डाला हुआ है और ऊपर से हमने सॉल्वेंट डाल रहे हैं, सॉल्वेंट कौन कौन सा होता है, CCl4 होता है, पहले बता दिया, CCl4 होता है, ईथर होता है, एसीटोन होता है, अल्कोहल हो सकता है, इस तरह से कोई भी हम सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, तो बेंजीन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सॉल्वेंट को डालेंगे, तो यहाँ पे जो A प्लस बी प्लस सी प्लस सैंड है, यहाँ पे क्या है, A प्लस बी प्लस सी प्लस सैंड, तो ये यहाँ पे जब आएगा तो ये इनको इल्यूट कराएगा। मान लिया A यहाँ पे आ गया, यानी A स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हुआ, B कम स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हुआ, C और कम स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हुआ, तो सबसे तेज कौन भाग रहा है, सबसे तेज कौन इल्यूट कर रहा है, सी की जो इल्यूशन पावर है इट इज मोर देन बी विच इन टर्न इज ग्रेटर देन ए, सी की इल्यूशन पावर, ई एल यू टी आई यू एन, इल्यूएंट क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, इल्यूएंट क्या है, सॉल्वेंट, इल्यूट कौन कर रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, तो सी एड्जॉर्ब कम हो रहा है
मूवमेंट क्या है इसका, फास्ट है। सी को हम यहाँ टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे, कलर डिफरेंस आएगा तो उसके बाद दूसरी टेस्ट ट्यूब लेके आएंगे, उसमें बी को कलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली वी कैन कलेक्ट ए ऑल्सो लाइक दिस। तो इस तरह से हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एड्सॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एड्सॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी। जो ज़्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होगा वो सबसे लेट मिलेगा यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर। सबसे स्ट्रांगली एड्सॉर्ब क्या हुआ है, ए, फिर बी, फिर सी। इस तरह से ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है और इसके अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे मान लिया मैंने एसीटोफिनोन है, इसी के अंदर एसीटोफिनोन सिलिका जल, यही हमारा ये क्या कहते हैं एड्सॉर्बेंट है। और इल्यूमेंट में बता रहा हूँ क्या है, एसीटोफिनोन लिया से ए, बी लिया मैंने बेंजा एनिलाइड बी लिया, और सी लिया से एनिलीन लिया सी। तो अब इसमें पूछा जैसे इनमें सबसे जल्दी कौन सा मिलेगा, इन तीनों व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ देयर ऑप्टेनिंग इन द टेस्ट ट्यूब, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट दे विल बी अवेलेबल इन द टेस्ट ट्यूब्स, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अवेलेबिलिटी वो क्या है। अगर हमने सॉल्वेंट यूज़ किया, ध्यान रखना सॉल्वेंट जो हमने यूज़ किया है इट इज से हेक्सेन और इथाइल एसीटेट, ये सॉल्वेंट यूज़ किया है और 20:80 के मोलर रेशियो में, यानी 20% अगर हेक्सेन है तो 80% क्या है इथाइल एसीटेट, यानी पोलर वाला क्या है ज़्यादा। ये कौन सा एल्यूशन हो गया, ग्रेडिएंट एल्यूशन। अब ध्यान देंगे पोलर वाला ज़्यादा है और नॉन पोलर वाला कम है, नॉन पोलर वाला क्या है कम। तो अब इस केस में एसिटोफिनोन बेंजीन के ऊपर COCH3 पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऊपर जाएंगे, डाइपोल मोमेंट इसकी ज़्यादा, डाइपोल मोमेंट इसकी मान लिया 3.5 के आसपास तक होती है सी डाइपोल मोमेंट। उसके बाद आया बेंजा एनिलाइड एनिलीन के ऊपर बेंजोफिनोन। तो अब इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन साथ में इस ये भी इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो इसलिए थोड़ा सा डाइपोल इसकी कम हो जाती है, म्यू उसका हो जाता है 2.7 के आसपास का कुछ। और तीसरा आया एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2, तो इसका थोड़ा और कम हो जाता है 1.8 के आसपास मान लो। तो ये इनके डाइपोल मोमेंट हैं, तो सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा है 3.5, सबसे ज़्यादा पोलर है, पोलर जो ज़्यादा होगा, अब पोलर ये है ज़्यादा और हाँ यहाँ पे भी पोलर, सॉल्वेंट में कौन सा ज़्यादा है इथाइल एसीटेट ज़्यादा पोलर है और ये ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसलिए ये वाला सॉल्वेंट इसको भगा के ले जाएगा सबसे पहले। सॉल्वेंट पोलर, ये भी ज़्यादा पोलर तो ये इसको पकड़ लेगा, और सॉल्वेंट का काम क्या है नीचे मूव करना, तो ये इसलिए इसको ले जाएगा अपने साथ। यानी सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, एसिटोफिनोन ए मिलेगा सबसे पहले हमें टेस्ट ट्यूब में, क्या मिलेगा ए, सबसे पहले ए मिलेगा, फिर मिलेगा ज़्यादा बी मिलेगा क्योंकि ये भी थोड़ा पोलर है, सी कम पोलर है सबसे, तो सी सबसे लेट मिलेगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ देयर अवेलेबिलिटी इन द टेस्ट ट्यूब, ऑर्डर ऑफ अवेलेबिलिटी है। अगर ऑर्डर ऑफ एडजॉर्प्शन पूछ लेते तो उल्टा हो जाता आंसर का, ऑर्डर ऑफ एडजॉर्प्शन पूछते सबसे ज़्यादा कौन सा एडजॉर्ब होगा, सी सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब होगा, क्लियर। तो ये ध्यान रखना सॉल्वेंट जो है ज़्यादा जो है जो ज़्यादा कौन सा है इथाइल एसीटेट, ये पोलर है तो पोलर को अपने साथ लेके चला जाएगा, क्लियर होगी बात की नहीं है। तो समझ आ गया तो क्वेश्चन कर लेना है, नहीं तो स्किप कर देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना, बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो ये था हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसको ढंग से पढ़ना एक बार, इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए मैंने यहाँ पे, आना चाहिए इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी का मैं हिंट देता हूँ एक बार। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो आप स्कूल में प्रैक्टिकल्स में करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ मेंस के अंदर, तो इसलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कर लेंगे एक बार। पेपर और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्लियर, पेपर और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे ये हमने लिया सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट लिया, इसमें पेपर की स्ट्रिप को डिप कर दिया, ये ट्रिप कर दिया इसके अंदर, और इसमें हमने इस स्ट्रिप के ऊपर, ये स्ट्रिप है सपोज, इस स्ट्रिप के यहाँ पे पेंसिल से मार्क किया, और यहाँ पे एक इंक का स्पॉट या फूड कलर या लीफ का पिगमेंट
कोई भी मार्क कर दिया यहाँ पे, यहाँ रख दिया लीफ का पिगमेंट, इंक का स्पॉट सपोज मैंने यहाँ पे इसके 1 सेंटीमीटर ऊपर जस्ट पेंसिल से मार्क किया, नॉट विद द इंक और डाई, एक स्पॉट मार्क कर दिया। सबसे पहले अब ये सॉल्वेंट जो लिया है, सॉल्वेंट जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, CCl4 हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। वाटर को प्रेफर नहीं करते यहाँ पे, जबकि वाटर पोलर है, वाटर को प्रेफर नहीं करते। रीज़न, जो पेपर होता है यहाँ पे, पेपर कौन सा, ये सेलुलोज पेपर होता है, सेलुलोज पेपर है, तो ये भी क्या है, पोलर, ये भी पोलर, ज़्यादा पोलर है, और वाटर भी क्या है, ज़्यादा पोलर, तो पोलर पोलर इंटरेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे इल्यूट नहीं कर पाएंगे इस डाई के जो पिगमेंट्स हैं या इस इंक के जो पिगमेंट्स हैं, वो भाग नहीं पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, यानी ऊपर की तरफ इल्यूशन होगा, क्लियर, कैपिलरी एक्शन के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो वाटर है वो ऊपर मूव करेगा। तो अब यहाँ पे ये पेपर हमने डाला सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर पेपर डाला यहाँ पे, तो यहाँ पे ये यहाँ तक सॉल्वेंट होगा, जस्ट टच करेंगे जो स्पॉट है, पेंसिल से मार्क क्यों किया, क्योंकि इंक से मार्क करेंगे, इंक पेन से करेंगे तो इंक के पेन में, इंक पेन में भी क्या होंगी, डाइज होंगी डिफरेंट कलर की, वो भी इल्यूट करेंगी, इसलिए हमेशा मार्क किससे करते हैं, पेंसिल से करते हैं। और यहाँ डॉट जो हमने लगाया, इंक का स्पॉट है कोई, या फिर लीफ का पिगमेंट या प्लांट पिगमेंट है, या फूड का कलर, जो हार्मफुल फूड कलर्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, हार्मफुल फूड कलर्स को सेपरेट करने के लिए। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये अब इंक के जो पिगमेंट्स हैं, जो डिफरेंट कलर्स हैं, वो मूव करेंगे कुछ टाइम के बाद, घंटों तक पड़ा रहेगा ये पानी के अंदर ऐसे, और ये मूव करेगा इस तरीके से, और ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, जैसे माना मैंने यहाँ तक आया, यहाँ तक इस पॉइंट तक आ गया, से रेड कलर, रेड कलर आ गया इसके ऊपर तक, ऊपर गए, यहाँ आ गया से ग्रीन कलर, ग्रीन कलर यहाँ तक आया इसके बाद, और यहाँ तक गया सॉल्वेंट, सबसे ऊपर जाएगा, यहाँ सॉल्वेंट गया, यहाँ तक गया सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट यानी जो हमने से एसीटोन लिया, तो एसीटोन यहाँ तक गया। तो इस तरह से मूवमेंट होगा, कुछ घंटों के बाद हमें दिखेगा ये मूवमेंट कि रेड कलर यहाँ तक मूव किया, ग्रीन कलर यहाँ तक मूव किया, और यहाँ तक सॉल्वेंट मूव किया। ऐसे और भी कलर्स होते हैं तो वो भी मूव करेंगे। सेलुलोज पेपर जो है पोलर होता है, वाटर भी पोलर होता है, दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। और जो पेपर लेते हैं हम, यहाँ पे पेपर जो होता है, ये कौन सा पेपर हो सकता है, पेपर हमारा स्टेशनरी फेस है, ध्यान रखना चीज़ का, इट इज स्टेशनरी फेस, फेज स्टेशनरी फेज है। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट जो है ये हमारा मोबाइल, ये इल्यूएंट है, ये मोबाइल फेज है, ये मोबाइल फेज है इधर, ये मोबाइल फेज है। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस डाई विल मूव अपवर्ड्स इन द असेंडिंग मैनर, तो इसलिए असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं इसको, और भी होती है इस टाइप की डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, पेपर को लटका देते हैं सॉल्वेंट के अंदर, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी भी होती है, और रेडियल क्रोमेटोग्राफी भी होती है, 2D क्रोमेटोग्राफी भी होती है, वो सब हमें करना नहीं है, हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं जो हम लैब में करेंगे। तो इसमें क्या होगा, अब ये सॉल्वेंट मूव कर गया ऊपर, अब ये मैंने बता दिया आपको स्टेशनरी फेज है और ये मोबाइल फेज है। पेपर जो है हम कैसा ले सकते हैं, ये पेपर हो सकता है फिल्टर पेपर हो सकता है, बेस्ट चॉइस होती है फिल्टर पेपर, बेस्ट चॉइस क्या है, फिल्टर पेपर, उसमें सॉल्वेंट के कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्युबल कंपोनेंट्स होता है उसके अंदर। तो पेपर हम क्या ले सकते हैं, या पेपर टॉवल्स ले सकते हैं, पेपर टॉवल्स जो होते हैं वो ले सकते हैं, या फिल्टर पेपर ले सकते हैं इस तरह से पेपर, या फिर न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं इवन न्यूज़पेपर, लेकिन हम राइटिंग पेपर नहीं लेते कभी भी। राइटिंग पेपर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि राइटिंग पेपर होता है कोटेड, राइटिंग पेपर कोटेड है, तो इसलिए कंपोनेंट जो है वो रन नहीं कर पाएंगे उसमें, क्योंकि वो कोटेड है। सो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस पिगमेंट, डाई पिगमेंट कैन नॉट रन, कैन नॉट इल्यूट ऑन द राइटिंग पेपर, क्योंकि वो कोटेड होता है। और सॉल्वेंट बता दिया मैंने क्या लेते हैं, तो ये सारी टर्म्स बता दी यहाँ पे। अब इसमें एक टर्म निकालते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो पूछेंगे पेपर के अंदर, पूछेंगे इसके अंदर कि लाइक दिस वी आर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, ये इसका प्रिंसिपल भी है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर सेपरेटेड लाइक दिस इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब क्या होगा, रेड कलर इतना मूव कर रहा है, सॉल्वेंट इतना मूव कर रहा है, एक टर्म होती है रिटेंशन फैक्टर, क्या फैक्टर है, रिटेंशन फैक्टर, RF, रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर RF वैल्यू, RF वैल्यू होती है डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूट, डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी जो इंक के कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट अपॉन में डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट, इल्यूटेड और मूव्ड बाय
सॉल्वेंट। तो ये होता है। और आर एफ वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा तो आर एफ वैल्यू कम। आर एफ की जो वैल्यू है इट इज़ लेस देन इक्वल टू वन, वन तो कभी वन के क्लोज भी नहीं होनी चाहिए, वन यानी वो प्रॉपर हमारा सेपरेशन नहीं हुआ है, वन के क्लोज भी नहीं होनी चाहिए। तो आर एफ की वैल्यू जो है जीरो और वन के बीच में लाई करती है, वन के क्लोज ज़्यादा ना हो तो कम तो होगी, क्योंकि सॉल्वेंट तो हमेशा ज़्यादा मूव करेगा, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मूव करेगा देन सॉल्यूट। इसलिए जैसे मान लिया मैंने ये, हमने लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं पेपर को ऐसे, और यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस मान लिया मैंने अगर 2 सेंटीमीटर है, और ये सेंटीमीटर, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है सपोज, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आर एफ वैल्यू फॉर दिस रेड कलर विल बी 2/10, 2/10 0.2 हो जाएगी आर एफ वैल्यू इसकी। आर एफ वैल्यू ज़्यादा मीन्स एड्सॉर्प्शन कम, ये ध्यान रखना, ऐसा यही क्वेश्चन कुछ आया था, आर एफ वैल्यू ज़्यादा मीन्स एड्सॉर्प्शन कम, आर एफ वैल्यू ज़्यादा मीन्स एड्सॉर्प्शन कम, इल्यूशन ज़्यादा, इल्यूशन यानी मूवमेंट ज़्यादा, समझ आई बात कि नहीं है। आर एफ वैल्यू इसमें कम आई है, यानी इसमें एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है, एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है और मूवमेंट, एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हुआ तो मूवमेंट कम हुआ है, मूवमेंट यानी इल्यूशन, ELUTION, समझ आ गया कि नहीं। सो दिस इज पेपर और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये पेपर या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, ये मैंने लाइन से लाइन लाइन मार्क की है पेंसिल से, इसके ऊपर इंक का पिगमेंट लगाया या फूड का कलर, फूड जो है उसका कलर लिया, और उसके बाद हमने यहाँ से सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट इसको क्या कहते हैं कैपिलरी एक्शन के थ्रू इसको पिगमेंट के जो पार्टिकल्स हैं, जो कलर्स हैं उसको मूव करवाएगा, तो ये डिफरेंट कलर्स डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, सॉल्वेंट अपना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लिया रेड कलर ने ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पॉइंट से, बेस लाइन से, इस बेस लाइन से 2 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, और जो सॉल्वेंट है उसने ट्रेवल किया 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आर एफ वैल्यू क्या हो जाएगी 2/10.2। आर एफ वैल्यू इसकी कम आई है, यानी ये कलर एड्जॉर्ब ज़्यादा हुआ है, एड्जॉर्ब ज़्यादा हुआ है इसलिए इसका इल्यूशन कम होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन, आर एफ वैल्यू ज़्यादा मीन्स इल्यूशन, आर एफ वैल्यू ज़्यादा मीन्स इल्यूशन ज़्यादा, एड्जॉर्प्शन कम। क्लियर हो गया। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो इसमें हमने सारा लगभग सारा कवर कर लिया, लेकिन आप थ्योरी NCERT की बुक जरूर पढ़ेंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और, तो उसको जरूर करना है। हमने पहले कंसंट्रेशन वगैरह किया, उसमें 4 मेथड किए, फिर 4 मेथड में उसमें हाँ मेन इंपॉर्टेंट जो था उसके अंदर कौन सा फ्रॉथ फ्लोटेशन था और दूसरा ये केमिकल सेपरेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है। फ्रॉथ फ्लोटेशन में कोई भी सल्फाइड हो रहा है वो कंसंट्रेट हो जाता है, बस एक सल्फाइड और जो AG2S है इसको नहीं करते फ्रॉथ फ्लोटेशन से। क्यों नहीं करते AG2S को, क्योंकि AG2S को इट इज़ बेटर डन बाय लीचिंग, लीचिंग के थ्रू होता है ना ये AG2S। तो अगर आता है क्वेश्चन तो आ सकता है कि AG2S को हम क्यों नहीं करते जबकि ये भी सल्फाइड हो रहा है, लाइट है, क्योंकि इसका केमिकल सेपरेशन ज़्यादा अच्छा होगा बाय लीचिंग विद NaCN, इसलिए वो ध्यान रखना इसके अंदर। और कोई पॉइंट्स ऐसे नहीं है, लेकिन आप थ्योरी जरूर पढ़ना कहीं से, हालांकि मैंने मैक्सिमम ट्राई किया, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको ट्राई करना अच्छे तरीके से करना, नोट्स बनाना, याद करना, मन में बोलना, जितना मन में बोलोगे उतना जल्दी याद होगा चैप्टर, ये नहीं तो टफ पड़ जाएगा। ओके थैंक्स।